हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ है ओमी। तो वेलकम ओमी, वेलकम टू गेट एंड टेक, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द सीट इन आईआईटी बॉम्बे एंड सिक्योरिंग ऑल इंडिया 151 रैंक। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू लक्ष्मण सर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दो अपना, थोड़ा सा बताओ। यस, सो मेरा नाम ओमी काकड़िया है और मैंने 2 बार गेट दिया है। एक बार थर्ड ईयर में दिया था तो तब मेरी रैंक 1857 आई, और फोर्थ ईयर में फिर से थोड़ा और मोटिवेशन से स्टार्ट किया था तो इस बार अच्छी आ गई, तो इस बार 151 आई। और अभी आईआईटी बॉम्बे मैंने सिलेक्ट किया है फॉर एमटेक। यस फ्रीज कर दिया है ना। यस, ओके, फाइनली फाइनली। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मद्रास बॉम्बे को लेकर, पर फाइनली फ्रीज कर दिया। हाँ, तो गेट डीएवी अटेम्प्ट किया था क्या आपने? नो अच्छा, ओनली सीएसई। और ये आपने फाइनल के साथ ही मतलब क्रैक कर दिया है ना। यस ओके, दैट्स वेरी गुड। तो क्या स्ट्रेटजी रही, कब से स्टार्ट किया गेट का? थोड़ा आराम से चलते हैं इनिशियली, है ना। ओके तो थर्ड ईयर से मैंने फुल टाइम स्टार्ट प्रिपरेशन का सोचा, और मैंने अराउंड मार्च से अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। उससे पहले मैं सेकंड ईयर से, थोड़े लास्ट 2 महीने नहीं होते तो उसमें मैं यूट्यूब से देखता था लेक्चर्स, कोई सा भी रेंडम लेक्चर्स देखते थे मैं, कोई उसमें बहुत मजा नहीं आ रहा था। और फिर मैंने थर्ड ईयर से कोचिंग लेके मैंने अन एकेडमी ज्वाइन किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि धीरे धीरे मैं प्रिपरेशन करता चला गया, पर उसमें मेरे को वो फीलिंग नहीं आ रही थी पढ़ने की, मतलब कुछ दिमाग में नहीं जाता था। मैं सिर्फ कंटेंट को, मतलब वीडियो को मैं सिर्फ स्टार्ट करता था और सिर्फ उसको देखता था, मतलब कुछ दिमाग में नहीं बिठाया, सिर्फ उसको स्टार्ट से एंड तक खत्म किया, नोट्स बनाया और खत्म, ऐसा। मतलब मेरे को समझ में भी नहीं आया था कौन से, और अच्छा। कोई भी क्वेश्चन अगर लगाऊं मैं, और कोई भी PYQs भी लगा लो तो मेरे को, मैं पैटर्न उसका देखता था, मतलब कि मेरे को नहीं पता था कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, कि कौन सा टॉपिक है। मैं सिर्फ मगब मगब सब सब चीजें में मगब ही करता था, कोई भी कॉन्सेप्ट वाली मैं चीजें पढ़ता ही नहीं था, और ये बिगेस्ट मेरा वो फेलियर था। और मेरे को वो थर्ड ईयर में बहुत नेगेटिविटी आई है, मतलब कि स्टार्टिंग से 1-2 महीने अगर हम निकाल लें, मैंने और ऐसा मैंने मार्च से पूरे सीजन तक, मैं पूरे फेब्रुआरी तक मैंने ऐसा ही पढ़ा है, बहुत गलत वे में पढ़ा है, और सब फॉल्ट मेरा ही है। मतलब मैं किसी कोचिंग को वो दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ही अच्छे से पढ़ा नहीं है, मैंने ही सब चीजें गलत की है, और नेगेटिविटी बहुत हुई। और बीच में तो ऐसा लगने लगा 1-2 महीने से कि अब से मेरा नहीं होने वाला, मेरे को मन में से ही वो अंदर से नहीं आता, बिल्कुल। अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारा नहीं होने वाला, तो मेरा ऐसा ही होता था, अंदर से ही बार बार आता था, डेली आता था, ऐसा भी नहीं कि एक एक मंथ में आए, एक एक वीक में, डेली तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे। तो भी मैं वीडियो को देखता था पूरे दिन में, पूरे दिन, पूरे दिन में वो कंटिन्यू में करके रखता था, पर वो भी अंदर से आ ही जाता था। तो ऐसे मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू की, और मैं रिवीजन वगैरह भी कुछ नहीं करता था, मतलब कि एक महीना अराउंड, अगर मेरा कोई भी एक सब्जेक्ट हो जाए तो 2-3 मंथ्स के बाद मैं रिवीजन भी नहीं करता था। मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मार्च से लेकर अक्टूबर अराउंड तक मेरा सिलेबस हो जाए, उसके बाद में रिवीजन, वो सब नहीं बोलते यूट्यूबर्स की इतने मंथ तक पहले सिलेबस कंप्लीट करो फिर रिवीजन करो, बिल्कुल। टेस्ट लगाओ, वो बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। वो मैं फोर्थ ईयर में अभी बताऊंगा मैंने क्या हाँ अलग हाँ किया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई, सब सब लोग जो नॉर्मल गेट एस्पिरेंट का पैटर्न, कि मार्च से अक्टूबर एंड तक मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, मैंने CN थोड़ा छोड़ा था, 3 वैसे कर दिया था, पर मेरे को कुछ पता ही नहीं चला था, मैंने सिर्फ कंप्लीट कर दिया। नोट्स अभी सबके सब सब्जेक्ट के अभी भी नोट्स पड़े हैं अकेडमी के। बाद में अक्टूबर से मैंने वो टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दी, और रिविजन मैंने सबसे रिविजन स्टार्ट किया ना नवम्बर से, तो तब मैं सब सब मुझे ऐसा लगा कि ये सब क्या आ गया, मतलब कुछ कुछ याद नहीं था दिमाग में, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि तुम एक एस्पिरेंट, तुम
नॉर्मल अपने दिमाग से सोचो कि हम मार्च अप्रैल में कोई भी कुछ भी कंटेंट पढ़े तो वो सितंबर तक बिना रिवीजन के कैसे याद रहेगा, वो नवंबर दिसंबर में, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, तो बाद में मैंने मॉक्स भी दिए, मैंने मेड इजी का लिया था टेस्ट से, तो बाद में मैं उसमें मैंने एक भी सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया था, ओनली मैंने मॉक्स ही दिए थे थर्ड ईयर में। तो मैं अराउंड 55 से 60 एवरेज मार्क्स आते थे, और पता नहीं वो भी कैसे आ जाते थे, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं था, मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, मेरे को भी पता था। और बाद में जैसे तैसे वो थर्ड ईयर गया, और बाद में लास्ट लास्ट मैं फैमिली को तो पता ही था, मेरे पापा को तो इस बार इसका नहीं होने वाला, तो मेरे को भी था ही पूरा नेगेटिविटी। मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज ये नेगेटिविटी वाला पॉइंट है ना अवॉइड करें, कुछ भी तुम्हारे आ जाए तो किसी से बात कर लो या कुछ भी कर लो, तो ये नेगेटिविटी को हटा लो, ये बहुत वो गंदी चीज है, मतलब तुमको वो पॉजिटिव इंटेंट आएगा ही। बिल्कुल हाँ यस। तो बाद में मैंने गेट की एग्जाम में भी सिली मिस्टेक भी ज्यादा हुई थी, तो वैसे करके 51 मार्क्स आए थे, और ये 1857 एक आया बाद में, तो ये थर्ड ईयर की कहानी थी। तो थर्ड ईयर में मतलब कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था खुद पे, कोई भरोसा या ही नहीं था कुछ कि कुछ मैं करूंगा यस क्या, और कर क्या रहा हूँ वो भी पता नहीं चल रहा था कि कैसे हो रहा है। बस मार्क्स आते जा आ रहे थे भाई, मतलब ऐसे ही सडनली आ जाते थे। यस 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 तो उसके बाद फिर क्या अप्रोच रखी, क्योंकि 1857 से 1857 से सीधा 151 पे आए हो, है ना, तो बहुत बड़ा जंप है। मतलब इतना जंप यस बहुत लोग नहीं लगा पाते हैं, ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है। और जिस तरीके से आपकी थर्ड ईयर में चीजें हो रही थी, उस हिसाब से फिर अपने आप को एकदम एकदम ऐसे ना था कि ब्लैक से सीधा व्हाइट, सीधा बैकग्राउंड ही चेंज हो गया पूरा एकदम कम्प्लीटली। 360 तुमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है, तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया है, और कहाँ से वो मोटिवेशन मिला कि यार एक मेरे को अब कुछ अलग करना है ना। तो क्या थर्ड ईयर के बाद बेसिकली आपको आपने क्या क्या अलग किया है, और कैसे स्ट्रेटजी रखी है, क्या माइंड में आया, कैसे मतलब किन लोगों ने हेल्प की, बेसिकली सारी चीजें। तो थर्ड ईयर का वो मार्च अराउंड 15 को रिजल्ट आता ही है ऑलमोस्ट, तो बिल्कुल बिल्कुल बाद में पता चल गया, तो एक दो दिन थोड़ा झटका लगा कि वो एग्जाम के पहले नहीं होता कि मैं तो फोड़ दूंगा, पर अंदर से नेगेटिविटी आया था कि तुम्हारा नहीं होने वाला। तो मेरे को 2-3 दिन तो झटका ही लगा पूरा, मैं थोड़ा वो पता नहीं चला कि सब क्या हो रहा है वैसा सीन। तो मैंने थोड़ा 15 15 डेज का अराउंड ब्रेक लिया, मतलब मैंने वेब सीरीज देखा और कुछ किया नहीं, पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी कॉलेज तो चाहता नहीं था, मतलब मैं सिर्फ लैब बनने चाहता था ऐसा। तो हाँ वो वहां से मैं टाइम तो मेरे को मिल ही जाता था प्रिपरेशन। तो और बाद में अराउंड अप्रैल से मैंने 2 क्लासेस का है ना, मेरे को थर्ड ईयर में लास्ट के महीनों में पता चला था, मैंने उनका यूट्यूब चैनल देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि इतने कम सब्सक्राइबर में बहुत सारे वीडियोस और इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे कोई कोचिंग दे सकता है। एक तो मेरे को बिल्कुल उसका पहला नाम फैसिनेटिंग लगा, गो क्लासेस तो कुछ पता नहीं है, वो फैसिनेटिंग लग गया। तो बाद में मेरे को पता था कि अगर इस साल प्रिपरेशन करनी है तो वहां से ही करना है, मैंने एक दो वीडियोस उनके देखे थे तो वहां से मेरे को आइडिया था। तो बाद में अप्रैल से घर वालों से भी उनको ऐसा था कि अभी प्लेसमेंट करूँ कि क्या फोर्थ ईयर में दू या ना, तो वो बिगेस्ट एक प्रॉब्लम आता है। तो मैं मम्मी ने और उन पापा ने बोला कि एक साल और ट्राई करके देख लो, अगर उसमें नहीं हुआ तो बाद में कुछ प्लेसमेंट वगैरह बाद में कुछ कर देंगे, ऐसा जॉब ढूंढ लेंगे। तो बिल्कुल अप्रैल से फिर बस मैंने स्टार्ट कर दिया। इस बार अभी मैंने सब वो थोड़ा 15 दिन का रेस्ट कर लिया था, तो फिर से मैंने बाद में ऐसा सोचा कि जो मैं थर्ड ईयर में कर रहा था उसको एक बार निकाल दो, सब माइंड में से सब निकाल दो, कुछ भी पढ़ा हो वो भी कुछ नहीं। मैंने बाद में अप्रैल से पूरे स्टार्टिंग से स्टार्ट किया सिलेबस स्टार्ट करना, मतलब सब सब चीजें पहले से की। और इस बार मैंने ऐसा किया कि मैं जो कॉन्सेप्ट में दिमाग में नहीं जा रहे थे, इस बार मैंने पहले से वही मोटिवेशन रखा कि इस बार कुछ भी हो जाए करना ही है, कुछ भी। डेली मैं ऐसा सोचता था,
डेली मैं मेडिटेशन करता था। मैं भाई जो अभी IIT बॉम्बे में है, छोटा भाई, तो वो अच्छा उसने उसने सब वो मेरे को गाइडेंस देते थे कि थोड़ा मोटिवेटेड हो और मेडिटेशन वगैरह करो, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा है, बहुत हिलता झुलता है। तो हाँ, तो मेडिटेशन के बाद मैं डेली ऐसा सोचता था कि इस बार कुछ भी हो जाए करना ही है, और इस बार रैंक लाके दिखाना ही है। दो दो, दो चीजें मैं डेली डेली बोलता था। और कब कभी भी ऐसा लगे कि बहुत लेक्चर्स देख लिया, टाइम वो मगज में नहीं, वो थक थक जाते हम, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, तो कभी भी मैं वही सोचता था कि इस बार करना ही है। तो फिर से बाद में कोई भी डिमोटिवेशन एक्सेटर हो तो मैं एक दो में गाने रखता था, मतलब भगवान के गाने। तो उससे क्या थोड़ा अच्छा भी, पॉजिटिव एनर्जी भी आती थी, और मैं उसको हेडफोन में लगा के सुनता था तो बहुत अच्छा लगता था। फिर से मैं लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट कर देता था। हाँ और इस बार मैंने ये चीज भी अपनाई थी कि कोई भी मतलब कि आज मैंने फॉर एग्जाम्पल लिनियर अल्जेब्रा से स्टार्ट किया, तो आज कोई भी टॉपिक देखा तो उसको पहले मैं ध्यान से सुनता था, अच्छे से सुनता था। मैं नोट्स में नहीं बनाता था तब, उस ड्यूरेशन में सर को पहले शांति से सुना, फिर मैंने अगले दिन में जो जो भी पढ़ा हो मैं उसका रिविजन कर देता। वैसा मैंने पूरा सब्जेक्ट किया है, मतलब कि डेली वो तो रिविजन होता है, फिर डेली तुम्हारे मन में वो सारी चीजें छिप जाएगी। तो वही एक एक्सपीरियंस को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही तुम अगर अपने मन में दिमाग में बिठा लो कॉन्सेप्ट, तो वो लंबे समय तक भी चलेंगे। और कोई भी अगर तुमने आज टेस्ट दिया और PYQs भी लगाए, तो तुम्हें वो और अच्छे मार्क्स आए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि तुमको माइंड में सब चीजें पता है। और बाद में तुम जैसे जैसे टेस्ट दोगे, तो मैंने इस साल ओनली 2 क्लासेस का थोरली कोर्स फॉलो किया है, मतलब जो वीकली क्विज भी थे, टॉपिक खत्म हो तो भी रिविजन करके वीकली वीकली क्विज दे देने। ऐसा कुछ कुछ ना, ऐसा बहुत फैंसी थिंग नहीं बहुत किया, थोड़ा बहुत ये सब चेंजेस किए कि सब चीजें पैरेलली करने की। ऐसा नहीं कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो और फिर रिवीजन हो गया, सब चीजें पैरेलली करो, क्विज देते जाओ, मतलब टेस्ट, कोई भी टेस्ट ली हो तो उसका टॉपिक टेस्ट देना हो। तो मैं ऐसा करता था कि वीकली क्विज को साथ साथ देते जाना था। फिर फॉर एग्जाम्पल कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स खत्म हो गया, अगर अभी 1-2 महीने के बाद मैं एक बार सोचता था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेरे को याद है कि नहीं, अगर ना हो तो मैं उसका फिर से रिविजन करता था, और कोई भी टेस्ट सीरीज का जो भी टेस्ट हो, टॉपिक हो या कोई भी 1-2 टेस्ट हो, तो वो मैं दे देता था, तो उससे फिर से रिकॉल हो जाता था। बिल्कुल तो ऐसे मैंने बीच बीच के महीनों में भी पुराने जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उसको मैं रिविजन और माइंड में बना के चल रखता था। तो वैसे मैंने इस बार मैंने थोड़ी मेहनत भी ज्यादा की है, मतलब डेली में थोड़ा पिछले साल से कंपैरिजन में ज्यादा पढ़ता था। डेली सुबह मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे उठ के डेली में पढ़ता था। इस बार तो मेहनत भी अच्छी की है और मोटिवेशन इस बार फुल है, कि मतलब एक दो बार बीच में ऐसा भी आया था कि अंदर से वो आ ही जाता है ना, क्योंकि पिछले साल आया था कि नहीं होगा तो नहीं होगा, तो पर मेरा जो वो था ना कि इस बार पॉजिटिविटी ज्यादा थी, तो उसने वो हावी नहीं होने दिया उसको, नेगेटिविटी को। बिल्कुल तो ऐसे मैंने सिलेबस का पहले से, मतलब कुछ सब सब चीजें मैंने पहले से कंप्लीट की, और अराउंड दिसंबर मिड तक मैंने सब चीजें किया। सिर्फ सी एन सब्जेक्ट का मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक करके मैं गया था, क्योंकि मेरे को उसमें वो फीलिंग नहीं थी कि मेरा सब पूरा होगा, क्योंकि टाइम लास्ट के महीनों में होता नहीं है। और वो बिल्कुल दिसंबर मिड का सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि मैंने रिवीजन भी साथ में किया था और टेस्ट भी लगाई थी, इसलिए वो मेरा थोड़ा अच्छा आया। तो मैं पहले भी एक एक्सपीरियंस लोगों को बोल दूं कि ऐसी जो स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो आप सब चीजें पैरेलली करो। तो थोड़ा बिल्कुल सिलेबस में अगर दिसंबर तक भी जाना पड़े तो चाहो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भाई का मुझे कॉल आया कि मॉक टेस्ट स्टार्ट किया या नहीं, तो दिसंबर के अराउंड मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। तो मेरा प्लानिंग ऐसा था कि मैं जनवरी से स्टार्ट करूँ, तो मेरा भाई ने बोल दिया कि अभी से स्टार्ट कर दो तो अच्छा रहेगा।
तो मैंने 3 4 मॉक्स दिसंबर से स्टार्ट कर दिया ना, तो बहुत अच्छा वो हुआ, क्योंकि AIMTs जनवरी से स्टार्ट होती है, तो बिल्कुल हमको तब अगर स्टार्ट कर दिया हो तो थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है, तो AIMT में थोड़े अच्छे मार्क्स आए तो मोटिवेशन भी आता है। पर AIMTs में आपको पता ही था कि कैसा वह सीन था। बिल्कुल तो तो पी वाई क्यू यस भी साथ में लगाते थे, मतलब जब प्रिपरेशन कर रहे हो पी वाई क्यू टेस्ट सीरीज वीकली कुछ सारा पैरेलल में करते थे आप? यस PYQs का नहीं, PYQs मैं नहीं करता था इस बार, क्योंकि मैंने पिछले साल जो कर लिए है, तो इस बार कैसा करता था कि मैं सब्जेक्ट के साथ नहीं करता था। एक दो मंथ हो जाए ना, मतलब एक सब्जेक्ट कंप्लीट कंप्लीट हो जाए और एक 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 दो महीने बीत जाए, उसके बाद मैं लगा था PYQs। ओके तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि पैरेलली हम कर रहे हैं सारी चीजें तो लास्ट में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। यस और बहुत सारे लोग, मतलब लास्ट ईयर मैंने देखा है ग्रुप में जब मैं काफी एक्टिव था, कि बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि सिलेबस कब खत्म होगा, गो क्लासेस का सिलेबस कब खत्म होगा यार, ये तो दिसंबर में खत्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब सिलेबस खत्म होने का मतलब ये नहीं कि यार सिर्फ हम उन्होंने पढ़ा दिया, मतलब हमारा क्या कंप्लीट हुआ है वो बहुत मैटर करता है ना। यस और तो एक चीज है कि सिलेबस कंप्लीशन से अगर रैंक आ जाती होती तो सबकी बिल्कुल रैंक आ जाती ना। सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीशन कोई समझता ही नहीं है कि सिलेबस कंप्लीशन, सब एक ही चीज लगे पड़े कि सिलेबस कंप्लीट करना है, उससे रैंक नहीं आती मेरे भाई। अगर तुम्हारे एक दो सब्जेक्ट ना भी हुए तो भी आप टॉप रैंक ला सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल पर सिले मिस्टेक और वो सब चीजें जितना तुमने कवर किया है उसमें से सिले मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो YouTube पे काफी लोग यही बोलते हैं, जो कि आपने थर्ड ईयर में स्ट्रेटेजी रखी, तो ऐसे YouTube मतलब जिनको फॉलो कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना कि किन लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे आइडियल सही होने चाहिए ना जिसको फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेगेटिविटी को आपने कैसे डील किया, मतलब योगा आई थिंक बेस्ट है जो आपने बताया है ना, योगा करते थे आप, तो और कुछ मतलब आपने ट्राई किया कि निगेटिव ना रहूं मैं, मतलब बेसिकली पॉजिटिव माइंडसेट से काम करूं? यस तो वो वैसे ही कि डेली में दो चीजें वो सोचता था कि इस बार करना ही है और इस बार वो टॉप रैंक लाना ही है और फैमिली को पापा को दिखाना ही है इस बार, मैं यही माइंडसेट था मेरा। और कोई भी हाँ, एक नेगेटिविटी में एक दूसरा चीज भी होती है, मतलब कि डिस्ट्रेक्शन आ जाता है और वैसा से, तो डिस्ट्रेक्शन वाला मैं तो बोल देता हूँ कि मैंने 2 साल इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह सोशल मीडिया यूज ही नहीं किया है, और यूज आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको रैंक तो देंगे नहीं, वो लोग नहीं हाँ बिल्कुल सही वो बात है। फ्रेंड्स तुम्हारे जो फ्रेंड्स है वो तो तुमको रैंक लाके नहीं देने वाले, तो यूज ही क्यों करना है। 2 साल तुम ट्राई करके देखो, बहुत तुमको वो अच्छा लगेगा कि मैंने 2 साल सोशल मीडिया यूज नहीं किया, मतलब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी बन जाएगा। सिर्फ सिर्फ तुम टेलीग्राम ग्रुप पे देखो, वहां पे डाउट वगैरह बहुत आते हैं, तो डाउट वगैरह सोल्व करने के लिए, और अगर व्हाट्सएप चलाना हो तो वहां पे भी मैसेज आते हैं डाउट्स के, तो वो दोनों में रखता था। और मैं है ना ऐसा था कि जब भी मेरे को वो थक जाता था ना, तो मैं दूसरा IIT बॉम्बे का वो जो नहीं JEE टाइप एस्पिरेंट की वो मोटिवेशन स्टेटस आता है, तो वो मैंने बहुत देखे बहुत देखे। मैंने IIT बॉम्बे का एक दो रील्स तो बहुत देखे, मैं देखता ही था IIT बॉम्बे, फिर उसका उसका खत्म हो जाए तो IIT दिल्ली देखता था, IIT KGP, IIT कानपुर। तो वो मोटिवेशन से मैंने इस बार किया प्रिपरेशन किया था कि मैं वो रील्स वो यूट्यूब में सिबिंदा देखता था, और मेरे भाई ने जब JEE का प्रिपरेशन किया ना, तो उसने थोड़े मोटिवेशन वीडियोस रखे थे उसके प्लेलिस्ट में, तो मैं उनको सुनता था और फिर मोटिवेटेड हो जाता था कि भाई इस बार तो पढ़ना है करना ही ऐसा। तो वो सब मोटिवेशन के लिए तो मैं बोलता हूँ कि वो JEE वाले लोग होते हैं वो बहुत अच्छा देते हैं, तो ऐसा खुद वो स्पेसिफिक टू JEE नहीं पर मोटिवेशन अच्छा देते, तो मैं वहां बस वहां से ही लेता था। और कभी भी ऐसा कोई सीन मैं ना टॉपर्स लोग का इंटरव्यूज भी देखता था कि वो लोग क्या कुछ उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनकी टॉप रैंक आई, मतलब करेक्ट मैं 23 के जो टॉपर्स थे
उनका मैंने देख लिया, और उस हिसाब से थोड़ा बहुत अगर मैं गलत जगह जा रहा हूँ तो उससे पता चले कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। तो आपके भाई हैं जो वो आईटी के साथ, मतलब JEE के साथ सेलेक्ट हुए, बीटेक कर रहे हैं क्या अभी? यस ओके, तो बीटेक प्लस एमटेक, आईटी बॉम्बे पे कब्जा है ना, गुजराती लोगों का कब्जा। चलो यस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो टेस्ट सीरीज कैसे आपने अटेम्प्ट की, और बेसिकली जो लोग मिस्टेक करते हैं कि लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, बोलते हैं भैया मैंने 300 टेस्ट दे दिए या 200 टेस्ट दे दिए, टॉपिक वाइज सब कुछ मिला के 4 टेस्ट सीरीज खरीद ली मैंने, बट मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने एनालिसिस कैसे किया, तो बोलते हैं कि वो तो उतना नहीं किया। तो थोड़ा सा बताओ कि क्या अप्रोच रखा है आपने? यस तो टेस्ट एक बार खत्म हो जाए, मतलब टेस्ट देने में, टेस्ट से पहले मैं पहले रिवीजन करता था, मतलब सब कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गए, फिर अगर टेस्ट को दो तो तुमको अच्छा पता चले कि तुम कहाँ कहाँ गलती करते हो और कैसे तुम्हारा, मतलब तुम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हो या नहीं, तुमको पता चलता है। तो बाद में अगर एक टेस्ट हो गया तो कोई भी सिली मिस्टेक आता है तो मैं उसका, वो इस बार मैंने वर्ड बनाया था, वर्ड फाइल बनाया था, तो उसमें मैं सब सब चीज सिली मिस्टेक में लिखता था। अगर मैथ्स की कैलकुलेशन भी हो वो भी मैं लिखता था, फिर टाइम में ज्यादा देता था। फॉर एग्जाम्पल एक आध क्वेश्चन में अगर टाइम ज्यादा दे दे मतलब दे दिया हो तो वो भी मैं लिख देता था, क्योंकि वो ऐसे सिली मिस्टेक ही हुई। तो बिल्कुल। वो मैंने पूरा डॉक्स एक बनाया था। उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन को देखता था कि जो जो क्वेश्चन मैंने किए मतलब मेरे से हो गए, तो वो मैं गेट वर्कफ्लो में होता ही है, मतलब डिस्कशन, तो वहां से कोई अच्छा आंसर है या बेटर आंसर है या नहीं, तो अगर दूसरे अप्रोच से किसी ने सॉल्व किया हो तो वो मैं देख लेता, क्योंकि कोई तो किसी का तो कोई दूसरे अप्रोच होता ही है। तो बिल्कुल। यस, तो वो वहां से एक दो अप्रोच नए भी आपको पता चल गए, एक आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मैंने जो सॉल्व किया तो मैंने अपने दिमाग से लगाया तो वो अच्छा है। बिल्कुल। और जिस क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुए तो उसको मैं देखता था कि ये टॉपिक मेरे को आता है या नहीं आता, अगर आता हो तो इसमें मैंने क्या क्या एक बार मैं कैलकुलेशन एक बार देख लेता था कि सिली मिस्टेक तो नहीं हुई ना, अगर सिली मिस्टेक हो गई हो तो मैं थोड़ा बहुत टेंशन नहीं लेता था, क्योंकि वो तो हम रिजोल्व भी कर सकते हैं। एक बार मैंने डॉक्स में लिख दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉक में या टेस्ट देने जाए उससे पहले एक बार पढ़ लेने, तो हमको वो जो सिली मिस्टेक वाला है वो भी कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक जो अगर मैंने की हो, तो मैंने इस बार भी ऐसा बनाया था, एक एक टॉपिक के लिए मैंने डॉक्स बनाई थी। अच्छा क्वेश्चन लगे तो मैं स्क्रीनशॉट लेके वो जो गेट ओवरफ्लो की लिंक नहीं होती वो भी मैं उसमें डाल देता था वर्ड में। तो वो क्या था कि ए अराउंड आज मैंने टेस्ट दी हो, आज लिनियर अलजेब्रा की, तो उसके बाद मैंने अगर 2 महीने के बाद उसको रिवीजन किया हो तो मैं वर्ड को वो एक बार देखता था कि वो मतलब कि क्वेश्चंस को जो नहीं बने क्वेश्चन, जो हार्ड क्वेश्चन थे वो सब मैं उसमें लिस्ट कर देता था और उनके सॉल्यूशन गेट ओवरफ्लो में वो आ ही जाता है, और अगर कुछ भी उसमें डाउट हो तो मैं उसको टेलीग्राम में पूछ देता था सर बिल्कुल। से, या कोई भी लोग बाद में अपने फ्रेंड्स हो, मैं थे एक दो तो मैं उनको पूछ लेता था। बाद में मैं उस शीट को भी 2 महीने के बाद अगर रिवीजन कर रहा हूँ ना, तो मैं एक बार उसको पहले अपने से ट्राई करके देखता था, उस बार तो हार्ड क्वेश्चन नहीं बने, अगर इस बार बने तो अच्छा है ना, तो थोड़ा बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस मिले। बिल्कुल। अगर अभी क्वेश्चन नहीं बना तो वहां पे मैंने लिंक दिया ही है, तो वहां से मैं सॉल्यूशन देख लेता था, और बहुत हार्ड क्वेश्चन हो तो मैं उसका वो ऐसा नहीं सोचता था कि मेरे से कुछ बनने आ रहा है ऐसा वाला सी, क्योंकि मीडियम क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी अपने से बने हैं, तो ऐसा मैं सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, हार्ड क्वेश्चन तो एक दो लोग के ही बनेंगे ऐसा। तो बिल्कुल बिल्कुल। इस बार मैं टेस्ट में एनालिसिस इस तरह से करता था, और मॉक्स में मैंने भी मॉक की एनालिसिस भी अच्छे से की है, अराउंड 19 मॉक्स मैंने दी थे इस बार। और मैं वो गूगल में कीप आता है ना,
गूगल नोट्स की हाँ करके, तो वहां बिल्कुल पे मैं डेली मतलब एक मॉक का मैं ट्राई करता था। अगर एप्टीट्यूड में सिली मिस्टेक कुछ भी हो जाए तो मैं उसमें लिख देता था, अगर टॉपिक एप्टीट्यूड का वो नहीं पढ़ा हो तो वो भी मैं लिख देता था, सिली मिस्टेक भी वहां पे लिख देता था। और कोई भी अगर मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से ना रिकॉल किया हो तो वो भी हो ना, वो भी मैं लिख देता वहीं पे भी। तो अगर मैं एक बार उसको देख भी लूँ ना तो भी मेरे को आइडिया हो जाए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हुआ, तो बिल्कुल इस हिसाब से मैंने मॉक का भी, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से टाइम दिया है। मतलब कि मॉक अगर एक बार हो जाए तो अराउंड में दो दो ढाई घंटा या 3 घंटा अराउंड एवरेज में उसको एनालिसिस करता, बहुत शांति से, मतलब कुछ भी हड़बड़ाहट नहीं और कुछ भी उस दिन कुछ करने का ही नहीं मॉक के अलावा। बिल्कुल और कोई भी मार्क्स कम आए तो मैं फ्रेंड्स को थोड़ा पूछता था कि क्या आता है तुम्हारा मार्क्स और वो सब, तो हमको भी पता चले कि हम अकेले तो नहीं है ना, वो मतलब कि इतने ही मार्क्स आते हैं तो एक इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो डेली का क्या रूटीन रहता था बेसिकली पढ़ाई का, सुबह से लेकर रात तक का? यस, तो डेली में अराउंड 4 या 4:30 को वो उठता था। बाद में मैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कल ही सोच लेता था कि आज क्या करना है, कल रात को ही मैं सोच लेता था सोने से पहले कि आज क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं अगर पढ़ाई मतलब कि रिविजन करना हो तो मैं वो स्टार्ट कर देता था, लेक्चर देखना हो तो वो स्टार्ट कर देता था सुबह से। बाद में अराउंड 7-8 बजे नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर से मैं बैठ जाता था एक दो, वो तो तभी मैं एक दो मोटिवेशन का कुछ देखना हो तो अगर देख के बाद में वो डेली, क्योंकि वो टाइम अभी ज्यादा होगा 8 से 12:30 तक मैं पढ़ता था। और बाद में दोपहर को खा के मैं अराउंड 15 मिनट्स नैप लेता था, क्योंकि सुबह भी जगे है हम, तो हमने बिल्कुल बहुत भी पढ़ाई भी की एक साथ। और बीच बीच में ऐसा हो कि अगर तुम्हारा बहुत मगज में वो थकान आ जाए तो थोड़ा कुछ गाने बाने सुन लो, पर अच्छे गाने सुनना। और अगर किसी को फैमिली से बात भी करनी हो तो वो 5-10 मिनट बात भी कर सकता है, कुछ छोटा बहुत खाना हो तो खाना खा के आ जाए तो वो भी थोड़ा अच्छा रहता है। तो इस तरह मैं करता था। फिर दोपहर को 15 या 20 मिनट नैप लेता था ना, तो बहुत वो अलग से तुम्हारा रिफ्रेशमेंट मिल जाता था मेरे को। और बाद में दोपहर को भी 2 या 2:30 बजे से लेकर मैं शाम 7 तक, 7-8 बजे तक पढ़ता था। फिर डिनर के बाद अराउंड 1-2 घंटे के पढ़ के 9:30 या 10 बजे तो मैं सो लेता था। मैक्स टू मैक्स में 10-10:30 बजे तो सो ही लेता था, क्योंकि सुबह भी जगना है। और मैंने स्लीप भी इस बार बहुत रिड्यूस कर ली थी, मैंने बताया कि स्टडी आवर्स ज्यादा कर लिए, और मेरे को दूसरा कुछ काम था नहीं, बिल्कुल क्योंकि मैं अभी फोकस एक ही बन गया था कि डेली अब गेट ही करना है। तो कॉलेज कॉलेज का भी मैं सिर्फ अगले दिन पढ़ता था, एग्जाम से अगले दिन पढ़ता था, तो वहां से भी टाइम मिल ही जाता था, मतलब क्योंकि मैं सिर्फ लैब बन ही जाता था कॉलेज भी। हाँ मैंने क्योंकि सर को बात कर ली थी, HOD सर को, कि मैं नहीं आने वाला हूँ कॉलेज को तो उन्होंने परमिशन दे दी थी इसलिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को बोल दू ना, क्योंकि उनको लगे कि हम भी ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल और मैं 6 या 6:30 आवर्स की ओनली स्लीप लेता था, और वो सफिशियंट है, मतलब कि 1 साल तो तुम इतना इतना करो तो अच्छा है ना, उसके बाद में वेकेशन में सोना ही है, ऐसा एक बार जान लगा के देख लो। हाँ बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते थे, क्योंकि क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि यार मैंने आज 6 घंटे पढ़ लिया, कल 8 घंटे पढ़ लिया, परसों कुछ नहीं पढ़ा, फिर 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 4 घंटे पढ़ लिया, तो एवरेज उनका काफी खराब जाता है और इससे उन्हें काफी मतलब लगता है कि यार हम पढ़ाई प्रॉपरली कर नहीं रहे हैं ना। तो कंसिस्टेंसी तो कैसे मेंटेन किया आपने? मैंने सर इस बार की स्प्रेडशीट बनाई थी, शीट बनाई थी। मैं कंसिस्टेंसी मेरे को लास्ट स्टार्टिंग से तो कुछ दिक्कत नहीं था, क्योंकि मैं मोटिवेटेड था, तो मैं डेली बनाता था, डेली पढ़ तो लेता ही था थोड़ा बहुत। फिर लास्ट के महीनों में थोड़ा आया कि थोड़ा मजा नहीं आया है, या कुछ ऐसा या कुछ वो नहीं, क्योंकि कुछ मिलता है नहीं, सिर्फ हम कहे चाहे कुछ ऐसा ऐसा हो। बिल्कुल
तो उसको बाद में मैंने स्प्रेडशीट बनाई गूगल शीट की, डेली में लिखता था कि मैं क्या खाया, आज मैंने सुबह से शाम क्या किया। फॉर एग्जाम्पल एक मंथ को मैंने फॉलो किया सितंबर को, तो उसमें बीच में ऐसा बने कि अगर तुमको आज मन नहीं हो रहा हो, तो मैं स्प्रेडशीट को देखता था कि मैंने अभी बहुत मेहनत की है, अभी और आगे करनी है, तो इससे करेक्ट. मेरे को थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी ज्यादा मिली। अगर सितंबर भी ऐसा निकल गया, अक्टूबर भी निकल गया, तो तुम नवंबर में देखो तुम्हारा 2 मंथ का बहुत सारा वो होगा, तुमने बहुत पढ़ाई की है, तो तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, सेल्फ बिलीफ भी मिलेगी। तो ये सब छोटी मोट बड़ी चीजें हैं, पर ये एक आपको ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल. मैंने एक शायद मोटिवेशन में यूट्यूबर से सुना था कि हम जितना हमारे पास वो टैग हो ना लिख के कि हम क्या क्या चीजें करते हैं, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है शायद। करेक्ट करेक्ट. डायरी यस डायरी मतलब यस डायरी मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेसिकली, है ना. यस फिजिक्स वाला वो अलग पांडे सर से ही मैंने ये सुना था, तो मैंने तब से स्टार्ट कर दिया था ऐसा बनाना। पर मेरे को मैंने सोचा ये डेली क्या लिखे सब, तो थोड़े दिन मेरे को बोरिंग लगा, फिर मेरे को वो मिला कि नवंबर या दिसंबर में भी कभी एक दो मतलब एक दो दिन ऐसा लगे कि आज थक गए हो, तो मैं वो देखता था, तो बहुत मैं देखता भी था, तो हमने बहुत वो सब मेहनत की है, तो वो सब रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है. यस यस तो ये इस हिसाब से मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन। बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करा है ना. और नोट्स बिल्कुल कैसे बनाए हैं, क्योंकि कई लोगों के डाउट रहते हैं कि यार खुद के नोट्स बनाएं या फिर दूसरों के नोट्स से पढ़ लें, या फिर शॉर्ट नोट्स बस बनाएं, या फिर नोट्स ही ना बनाएं, तो क्या करना चाहिए. देखो मैंने थर्ड ईयर में हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, पर उसमें टाइम बहुत जाएगा, तो अगर कोई सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहा हो, थर्ड ईयर से स्टार्ट करता हो, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो नोट्स बनाए हैंड रिटन। अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो और आज एक ही ईयर में तुमको निकालना हो गेट, ऐसा कोई माइंडसेट हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप ऐसा कर लो कि मैंने फोर्थ ईयर में ऐसा किया था कि मैं एनोटेड नोट्स ले लेता था, तो एनोटेड नोट्स में सब चीजें होती थी, क्वेश्चन होते थे, आंसर होते थे। उसके बाद में हमारे गो क्लासेस का तो पता ही, एक डेफिनेशन 2 3 बार होती हाँ बिल्कुल. है। तो मैं जो अननेसेसरी पेजेस होए, तो कुछ ज्यादा पेज हो ना, तो मैं उसको पहले डिलीट कर देता था, तो क्योंकि उससे नोट्स की साइज पहले कम हो गई। फिर करेक्ट. एक दो पॉइंट्स मेरे को अपने खुद से एडिट करने हो ना, तो मैं उसी जब रिविजन करने बैठू ना अगले दिन, क्योंकि पिछले दिन तो मैंने पढ़ा, तो अगले दिन मैं जब रिविजन करने बैठू ना, तब मैं एडिट कर देता था, तो उससे मेरा बहुत टाइम इस बार बचा है। तो मैंने फोर्थ ईयर में ऐसे नोट्स बनाई है। तीसरी नोट्स तो लोग मतलब कि यूज करते हैं दूसरों की नोट्स, मैंने तो दूसरों की नोट्स यूज नहीं की, क्योंकि उससे वो थोड़ा डाउट होता है कि उसने सब लिखा होगा सही से या नहीं वैसा। तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जिनको अगर फुल विश्वास हो कि मैं जो नोट्स फॉलो कर रहा हूँ उसने सब लिखा हो अच्छे से, तो वो आप यूज कर सकते हो। और चौथे टाइप का नोट्स बनाते हैं वो लोग आईपैड में, या नहीं बनाते पेड में लिख के, तो उसमें भी मैं तो बोलूंगा कि एज अ हैंड रिटन नोट्स वैसा ही है ना, उसमें भी टाइम बहुत जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट. तो आप वो देखो कि आपका टाइम की अभी कितना बचा है, वो आप देख के चलो आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना टाइम अभी बचा है, तो उस हिसाब से आप नोट्स के प्लानिंग करो कि इस तरह से मैं लूंगा या इस तरह से बनाऊंगा। पर ये डिजिटल वाला आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने जो फॉलो किया था ना, वो तो एक सब्जेक्ट में आप ऐसा फॉलो कर सकते हो, अगर आपको अच्छा मजा आए तो आप आगे भी फॉलो कर सकते बिल्कुल बिल्कुल. और इससे टाइम भी काफी सेव होता है ना, और कुछ कुछ हो। जो यस अपने पॉइंट्स रहते हैं वो भी हम ऐड कर देते हैं. यस यस और शॉर्ट नोट्स वगैरह भी कुछ बनाए थे क्या आपने? यस मैंने हमारे जो गेट गो क्लासेस के नोट्स बहुत बड़े होते हैं, तो लास्ट के महीने में रिवीजन में मेरे को तकलीफ होती थी बहुत, स्टार्टिंग में तो हो जाता था क्योंकि पर लास्ट के महीनों में हमारे को मॉक्स भी देना है,
और एक दिन में पूरा रिविजन करना है तो वो नहीं होता था। तो मैंने बाद में टीओसी का डीबीएमएस का भी बनाया था शॉर्ट नोट्स। वैसे ही मैंने सिर्फ वर्ड निकाला और जो एनोटेड नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें लगी उसका स्नैप लिखा, स्नैप करके मैं उसमें पेस्ट कर देता था। ऐसा ही कोई बहुत फैंसी थिंग नहीं की लिख लिख के, नहीं ऐसा फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा। तो यस मैंने दो तीन सब्जेक्ट्स के ही बनाए थे सिर्फ, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना उनके ही पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन की रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे रखी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही क्रुशियल क्रुशियल है कि यार हम रिवीजन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं पढ़ते चले जाते हैं, जो कि आपने थर्ड ईयर में जैसे करा था, और रिवीजन नहीं करते हैं, तो क्या है ना कि आगे बढ़ते जाते हैं हम और पीछे का मैदान साफ होता जाता है उस जाते हैं। यस यस तो इसको कैसे डील किया है? तो मैंने बताया कि ऐसा कि आज आज फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पढ़ा, कल उसका रिवीजन कर लो, परसों फिर पहले से रिवीजन कर लो, पची मतलब कि उसके तीसरे दिन फर्स्ट से लेकर 2 दिन का हो जाए तो फिर से रिवीजन करो। तो धीरे धीरे तुम्हारी वो रिवीजन की स्पीड आएगी और माइंड में धीरे धीरे वो बैठ जाएगा चीजें। और बिल्कुल बाद में तुमको लास्ट के अगर ऐसा पूरे 1 मंथ अगर तुमने किया तो एक रिवीजन में तो तुमको टाइम ही नहीं लगेगा, मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा क्योंकि तुम डेली पढ़ते हो ना। बिल्कुल और अगर ऐसा इसमें बहुत टाइम जाता हो तो ऐसा कर देने का कि दो दो दिन के बाद पहले से सब पढ़ने का, ऐसा मतलब एक दो दिन रिवीजन नहीं करने का। बाद में उतना जो उन दिनों में जितना वीडियो और लेक्चर्स देखे हो तो उसको बाद में पहले से रिवीजन करना। और रिवीजन तो बहुत ही करने का इस बार मैंने 4th ईयर में बहुत किया था, वो मैं लिटरली बता रहा हूँ बिल्कुल क्योंकि मैं ऐसा वो मैं एक्सपीरियंस हूँ कि मेरे को एक बार में सब याद नहीं हो जाता। मेरे को जितनी बार मैं ज्यादा रिवीजन करता हूँ ना उतनी बार मेरे को चीजें आती भी है और मगज में बिठता भी है। तो मैंने कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करना हो तो मैंने इस तरह रिविजन किया। उसके बाद 1-2 महीने खत्म हो गए तो मैं बाद में एक बार वो मैं सोचता था कि मेरे को जो मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं उसका उसका कुछ याद है या नहीं ऐसा। तो अगर बिल्कुल अगर कुछ अंदर से वो आवाज आ ही जाता, आपने अच्छे से किया हो ना तो वो अंदर से थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है कि हाँ या ना। तो अगर बिल्कुल ना हो ना, अगर ना हो ना तो मैं थोड़ा टाइम निकाल के फिर से मैं रिविजन करता था पूरा पूरे सब्जेक्ट्स का। तो वो उसी तरह मैंने इस बार अप्रैल से लेकर लास्ट के महीनों तक ऐसे ही रिवीजन किया है। तो लास्ट के महीनों में बहुत बेनिफिट मिला है मेरे को क्योंकि सब चीजें याद ही है ना बाद में। बिल्कुल बिल्कुल तो और इस तरह मैंने रिवीजन किया। तो जब हम रिवीजन बहुत अच्छे से करते हैं और लास्ट में चीजें याद रहती हैं, तो जब हम टेस्ट वगैरह भी लगाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो कॉन्फिडेंस, जो इनर कॉन्फिडेंस है, वो ऑटोमेटिक हाई रहता है फिर, है ना? बिल्कुल। यस यस और एक और क्वेश्चन कि टेलीग्राम कैसे यूज किया आपने, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग ज्यादातर टेलीग्राम पर अगर टाइम मतलब इन्वेस्ट करते रहते हैं, दूसरों के डाउट सॉल्व करते रहते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है, बट कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि यार हम कितना टाइम जा रहा है, क्योंकि हमें खुद का भी करना होता है, दूसरों के डाउट तो कर रहे हैं, बट सबसे पहले सेल्फलेस होना भी जरूरी, कि यार सेल्फलेस होना भी जरूरी है कि हम पहले अपनी चीजें कर रहे हैं ना, बाकी अगर कुछ टाइम बच रहा है तो दूसरों के लिए करें। तो काफी लोग क्या करते रहते हैं ना, दूसरों को डाउट करते रहते हैं और लोग तारीफ करते हैं, तो वो तारीफ सुनने में अच्छी लगती है, बट कई लोगों की मैंने खुद देखा है कि इस वजह से रैंक नहीं आई, क्योंकि वो बहुत सारा टाइम आंसर करने में ही जा रहे हैं। आंसर करना बुरा नहीं है, बट वो थोड़ा लिमिट में होनी चाहिए चीजें। तो आपने उस चीज को कैसे मैनेज किया है, टेलीग्राम का यूसेज? यस तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मेरे को भी ऐसा था स्टार्टिंग में, मैंने जब गो क्लासेस का प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन किया ना तो मेरे को थोड़ा वो था कि तारीफ वगैरह मिले मेरे को। तो मैं स्टार्टिंग के महीनों 1-2 महीने में बहुत एक्टिव था, मतलब किसी का भी डाउट हो या ऐसा कुछ हो ना तो मैं उसको अगर आंसर पता हो ना तो मैं दे ही देता था। बाद में मेरे को लास्ट में रियलाइजेशन हुआ कि बहुत टाइम स्पेंड हो रहा है। मैं बाद में टेलीग्राम में बहुत मैं एक्टिव होता था। तो उस बाद में मेरे को भी ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि अभी ये सब नहीं करना है। मतलब बाद में मैं क्या करता था डेली जो जितना भी नोटिफिकेशन आया ना वो मैं डायरेक्ट वो एक टैब होता है डाउन का तो मैं उसको
मतलब कि दबा के मतलब कुछ देखता नहीं था। लास्ट के महीनों में तो क्या ही हम देखेंगे। पर बिल्कुल। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये बात सर ने बहुत अच्छी की है कि आप लोगों को एक बार देखना है कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो एप्लीकेशंस में, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और फ्रेंड्स के डाउट सॉल्व करने में भी, क्योंकि कुछ लोग फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि तुमको भेजे जा रहे डाउट तो, और तुम उनका ही डाउट सिर्फ सॉल्व कर रहे हो, तो तुमको थोड़ा देखना है कि तुम्हारे टाइम कहाँ कहाँ जाता है। वो सब भी मैटर करती है चीजें। हमको ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स है फ्रेंड्स है, तो वो सब चीजें मैटर करती है एट द एंड। तो बिल्कुल बाद में अगर बहुत टाइम स्पेंड कर लिया हो तो तुम ऐसा रखो कि सुबह थोड़ा थोड़ी देर देखने का, दोपहर को थोड़ी देर देखने का, 15 मिनट्स या ऐसा कुछ टाइम फिक्स कर लो। तो और उसी 15 मिनट्स में जितने भी डाउट्स हो, एक बार देखना हो तुमको, तो वो तुम देख सकते हो। बिल्कुल तो इसी तरह मैं करता था। मैं बाद में स्टार्टिंग में बहुत एक्टिव था, बाद में मैंने धीरे धीरे वो स्लो कर दिया था। हाँ उसका रिजल्ट भी आपको मिला, अदरवाइज आप भी उस ट्रैप में फंस सकते थे मे बी। यस यस और एक और कोई क्वेश्चन कि ओवरऑल ऑन एन एवरेज आप कितने आवर्स पढ़ते थे पूरे दिन में? इस बात तो कुछ ज्यादा ही है, तो शायद मैं 12 या 13 से मिड में, ट्वेल्व वाह, थर्टीन आवर्स तो हो ही जाता तो बहुत जबरदस्त तैयारी करिए फिर। है। यस लास्ट क्वेश्चन की गेट ओवरफ्लो और गो क्लासेस में तो आपने ऑलरेडी काफ़ी, मतलब गो क्लासेस आपने कोर्सेज पढ़ा है, गेट ओवरफ्लो पे आपने PYQ लगाई होंगे, है ना? और गेट एंड टेक से क्या हेल्प मिला है, और गेट एंड टेक के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? फीडबैक वगैरह कुछ देना हो तो वो भी दे सकते हैं। यस गेट एंड टेक को मेरे को नवंबर में कुछ पता चला था, अक्टूबर या नवंबर कुछ था डेट, तो तब पता चला मैं ज्वाइन हुआ। तो तभी सर ने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी, गेट एंड टेक में ऐसा है कि सर का कंसिस्टेंसी बहुत है, मतलब डेली वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भेजते थे। तो तब से मैंने सर को एक एक दो बार ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद बोला कि एप्टीट्यूड मैंने अब मैं स्टार्ट कर लूँ, तो सर ने ऐसा बोला था कि स्टार्टिंग से तुम लगा के जाओ एप्टीट्यूड, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट अभी से कर लो। तो और क्योंकि क्या है कि ईएम और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही बहुत चाहिए, और मैं तभी उसको, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए ही था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि पीवाईक्यू को सब सब लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, पर बिल्कुल। तो भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आता। तो तभी आपकी चैनल आई गेट एंड टेक की, तो बाद में मैंने थोड़े दिन 15-20 दिन तो बहुत लगाए डेली में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सुबह उठ के डेली लगाता था, तो बाद में वो कॉन्फिडेंस मिलता था। आप बाद में क्वेश्चन के साथ आंसर भी आप शेयर करते थे, तो वहां से भी हेल्प हो जाती थी, और अपने साथ दूसरे लोग भी आंसर भेजते थे ग्रुप में, तो वहां से बिल्कुल। पता चलता था कि हमारा जो आंसर आया वो सही है या नहीं। और आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल वो लास्ट के महीनों में कोई नहीं था मेरे साथ, मतलब कि मेरा AMTs में बहुत खराब परफॉर्मेंस आ रहा था, मतलब मेरा ऐसा हो रहा था कि दूसरे टेस्ट में मैं 60-65 या एक दो टेस्ट में 70 भी आ जाते थे, पर AIMTs में मार्क्स नहीं आते थे। तो मैंने आपसे बात की, बाद में मैंने आपसे आपको जनवरी में ही मैसेज करना स्टार्ट किया था हाँ टेस्ट और मॉक में, तो बाद में आप आपसे बात की, आपने थोड़ा सपोर्ट दिया, तो उससे काफी हेल्प मिला। तो मतलब मैं पता है कभी मॉक का जो रिजल्ट आने वाला होता है तब मैं आपको भेजता था कि सर इतने मार्क्स आए, हाँ, बिल्कुल। तो यस, तो ऐसा आपको भी लगे तो आप सर को मैसेज कर सकते हो, थोड़ा आपको आपको एक भाई की तरह या कुछ कोई आपको ऐसा लगेगा कि गाइडेंस देने वाला है आपके साथ है ऐसा। क्योंकि लास्ट के महीनों में सर क्या होता है कि सब सब लोग बिजी हो जाते हैं, बिल्कुल आपको करेक्ट। सुनने वाला कोई नहीं होता स्टार्टिंग में, तो आप आपको सब सुनेंगे, तो बिल्कुल, बात सही है, बिल्कुल। लास्ट के महीनों में आपने बहुत हेल्प की, तो वो थैंक यू फॉर दैट। हाँ, अच्छा लगा कि थोड़ा बहुत 1-1% मेरी हेल्प से आप जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, है ना? यस तो आई थिंक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। कुछ आपको और शेयर करना है कि कुछ और इम्पोर्टेंट रहेगा? आई थिंक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कि आपका जर्नी
और एक चीज और कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब आपको आईआईटी बॉम्बे मिला तब? मेरे को क्या था कि मैंने लिंक्डइन में पोस्ट भी डाला था कि मैं सेकंड राउंड से भी मेरे को विश्वास ही नहीं था कि मिलेगा। तो हाँ बिल्कुल। पर मेरी मम्मी को बहुत वो यकीन था कि मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, ये सब होता है ना, वो उनको मम्मी को पता ही चल जाता है। तो बाद में मिल गया तो बहुत, मतलब बहुत खुश थे। और पापा को तो, पापा को भी, उनको तो ऐसा ही था कि मद्रास ही मिलेगा। तो बाद में मेरे को बॉम्बे मिला तो वो भी बहुत खुश थे। तो दोनों फैमिली भी को खुश है, अब तो दोनों भाई एक साथ है तो हाँ ये बस तो अच्छा है। यस बहुत ही अच्छा हुआ है ना। तो अब मैं कंप्लीट स्क्रीन आपको देता हूँ, है ना? तो आप लास्ट मिनट कुछ एडवाइज, अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कुछ करना है तो ये आपका कंप्लीट स्क्रीन आपका हो गया। यस तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप पूरा एक ईयर या कोई भी जितना 2 साल का प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरा डेडिकेशन के साथ दो। मतलब डेली कंसिस्टेंसी रखो, ये 1 साल 2 साल आप दो, एक गेट को सिर्फ टाइम दो, आपको रिजल्ट लाके देगा। ऐसा वो ऐसा चीज नहीं है यूपीएससी वाला। ये फुल हार्डवर्क करो आप, मतलब डेली हार्डवर्क करो। और आपके आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो और आप मतलब कि गिविंग अप में हार जा रहे हो, तो आप देखो कि आप पेरेंट्स की आप सिचुएशन देखो, घर की फैमिली की, अगर किसी को वो भी सब मोटिवेशन है, ऐसा मोटिवेशन आपको मिलेगा। मतलब आप फैमिली से बात करो और पूरा आप मैनर करो, और भगवान भी आपको साथ देंगे। और कुछ भी आपको डाउट हो एक्सेट्रा अगर प्रिपरेशन में आए तो आप, मैंने अभी 1-2 दिन पहले YouTube चैनल भी स्टार्ट कर लिया है, तो वहां से भी आप गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपको LinkedIn में कुछ भी डाउट एक्सेट्रा हो तो वहां पे भी आप पूछ सकते हो, मेरे को, मैं रिप्लाई कर दूंगा। पर आप 1-2 साल दो, एक प्रिपरेशन में आपको टाइम स्पेंड करो, थोड़ा डेली आप एफर्ट्स मारो। कुछ भी डीमोटिवेशन आए तो मैंने ये जर्नी में बताया है कि मैं क्या करता था, आप वैसा सब देखो। और पूरा मतलब हार्डवर्क करो, हार्डवर्क से ही मिलेगा ये सब चीजें। फ्रेंड्स और वो सब डिस्ट्रेक्शन सब अवॉइड कर दो 1-2 साल, वो लोग आपको, फ्रेंड्स आपको रैंक नहीं देने वाले, मैंने आगे भी बताया। रैंक आपको एक ही चीज दे सकता है, वो है हार्डवर्क। तो ये सब चीजें हैं, और बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर द गेट 2025 एग्जाम। हाँ, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने गाइड भी किया है, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपना सारा ओवरऑल जर्नी 3rd ईयर से लेके 4th ईयर, सारा रैंक वगैरह जब तक आई नहीं तब तक, वो है ना कि जब तक तोड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं, है ना? तो वो जो आपने वो मोटिवेशन रखा है ना जबरदस्त बाउंस बैक का, क्योंकि पूरी ओवरऑल अगर जर्नी से कोई सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है कि आप 3rd ईयर में मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बट 4th ईयर में आपने कैसे चीजें करी हैं, तो बहुत बढ़िया लगा। और जिस तरीके से आपने चीज़ों को डिटेल्ड वे में समराइज किया है तो बहुत बढ़िया है ये भी, है ना? लोगों को डेफिनेटली हेल्प होगी, और टाइम निकाला है ना, इतना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला आपने, तो वो ही बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? थैंक थैंक यू सर, यू, थैंक थैंक यू सो मच ओमी, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर माइलस्टोन। जबरदस्त, आप वहां पे भी एकदम फोड़ दो हर चीज को, है ना? यस सर, आओ फिर मिलने आओ आप। थैंक हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू, एंड करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल योर जर्नी, आई मीन वैल्यूएबल योर शेयरिंग शेयरिंग योर जर्नी। यू, थैंक यू गेट एंटर। या थैंक यू ब्रदर।